खबरों में आगे बढ़े, आपको बताएं कौन मैन स्वकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस पूरे मामले में अंतरिम बेल दे दी थी। जैकलीन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल ने कंफर्म किया है, पुष्टि की है कि जैकलीन फर्नांडिस अदालती कार्रवाई में शामिल होंगी, तो अदालत में वो पेश होंगी और उनकी मौजूदगी में ही सुनवाई होनी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जैकलीन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाब में ये कहा है कि एक्ट्रेस ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया है और सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया। ईडी ने यह भी मेंशन किया है, ये भी कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से मिलने के 10 दिनों के अंतर ही उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बता दिया था। वो कोई साधारण नहीं है बल्कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनके पास काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं। अजय चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जानकारी के लिए दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। अजय, क्योंकि आज जैकलीन फर्नांडिस भी कोर्ट में पेश होंगी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ये कह रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस ने कभी भी हमारी जांच में सहयोग नहीं दिया। देखिए मनीष, अगर बात करें जैकलीन फर्नांडिस की, तो लगातार उनका कहना है कि जब सबूत होते हैं वो सामने आती हैं और पेश भी होती हैं और अपने सहयोग भी करती हैं। तो देखिए, ये 200 करोड़ का मामला सामने आ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा गया कि फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी हो सकते हैं क्योंकि आज सुनवाई है, क्योंकि अंतिम जमानत है, उस जमानत पर चल रही है, आज उनको जमानत के साथ सबूतों के साथ पेश किया जाएगा कि जो 200 करोड़ का मामला है, क्योंकि सुरेश चंद्र में भी इसमें देखा गया कि उनको पहले ही बता दिया गया वो एक एक्टर है और एक्टर के पास वो फाइनेंस की कमी नहीं होती है। लेकिन देखिए, मामला कोर्ट का है और कोर्ट को ही लेना होगा कि इस मामले में क्या किया जाए, उनको जमानत दी जाए या फिर उनको जेल भेजा जाए। तो ये आज जो सुनवाई है बहुत अहम सुनवाई की जाएगी क्योंकि तथ्य और सबूत के साथ आज पेश किया जाएगा। अच्छा, लेकिन रेगुलर जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, कितना अहम आज की सुनवाई को माना जाए इस लिहाज से? जो उनके वकील ने कहा कि सबूत के साथ जैकलीन आज पेश होंगी और जो भी सामने आएगा वो तथ्य होगा सुनवाई करना। अगर उनको बेल रेगुलर दी जाती है या फिर परमानेंट दी जाती है वो तब जज के हाथ में होगा कि उन सबूतों में क्या है ऐसा जो 200 करोड़ का मामला है। तो देखिए, वही बात है कि पटियाला हाउस कोर्ट आज पेश कोई ना कोई अहम फैसला भी ले सकता है क्योंकि काफी समय से वो जैकलीन यहाँ नहीं थी, लेकिन आज दिल्ली उनको बुलाया गया है और उनको आज पेश होना है कोर्ट में। अगर नहीं होती जो रेगुलर जो उनकी बेल थी वो शायद रद्द भी की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं जैकलीन को पेश होना पड़ेगा और इस मामले में सुनवाई भी की जा सकती है। लेकिन अच्छा, क्योंकि ईडी की तरफ से जब पूछताछ हो रही है, जब जांच हो रही है, तो ऐसे में एक एक पहलू को बारीकी से समझना ये भी काफी अहम हो जाता है। ईडी ये भी कह रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर से मिलने के 10 दिनों बाद ही उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जैकलीन फर्नांडिस को पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके साथ थी। अब ऐसे में क्योंकि वो कोई साधारण शख्सियत नहीं है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनके पास काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इसको किस तरीके से समझा जाए? मनीष, अगर बात करें सीबीआई हो या ईडी हो, जो बारीकी से इसकी जांच की जाती है, कहीं ना कहीं अगर जांच में नाम आ रहा है और सामने कहा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जो जिस तरीके से ईडी ने इसको रखा है। देखिए, ईडी का काम है बारीकी से किसी भी बेगुनाह को सजाना हो। देखिए, इसमें जो सामने नाम आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस तरह से जैकलीन को बताया गया कि 10 दिन के बाद ही बता दिया गया जो सुकेश चंद्र है जो एक क्रिमिनल है और एक ठग है, तो देखिए उसको मामला है और जांच की जा रही है। आज जो सत्य और जो सबूत पेश किए जाएंगे उसके आधार पर फैसला लिया जा सकता है आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर।